माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, सुबह की नमस्ते। टुडे यूनिट सेकेंड, दिस इज द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स। आज यूनिट दो और ये तीन मित्रों की कहानी है, द बबल बुलबुला, द स्ट्रॉ पानी पीने की पाइप एंड द शू और जूता। हेयर आर सम न्यू वर्ड्स इन दिस लेसन, यहां इस पाठ में कुछ नए शब्द हैं। बैंक मतलब किनारा, बबल पानी का बुलबुला, बर्स्ट फट पड़ना, क्रॉस पार करना, रिवर नदी, शूज जूते, स्प्लैश छपाक की आवाज। लेट अस रीड आउट, पढ़ें। आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन वियर शूज। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, अब पहला प्रश्न, नेम द थ्री फ्रेंड्स, तीन मित्रों के नाम बताइए। आंसर विल बी रिटन लाइक दिस, उत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा, नेम ऑफ द थ्री फ्रेंड्स आर, तीनों मित्रों के नाम हैं बबल, स्ट्रॉ एंड शू। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड दे गो वन डे, वेयर डिड दे गो, वे कहां गए वन डे एक दिन। आंसर इज दे वेंट इन टू ए फॉरेस्ट, वे एक जंगल में गए। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड दे वांट टू डू, व्हाट डिड दे वांट, उन्होंने क्या चाहा, टू डू करना, उन्होंने क्या करना चाहा। आंसर नंबर थ्री, दे वांटेड, वे चाहते थे टू क्रॉस द रिवर, नदी को पार करना, वे नदी को पार करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डू यू मेक बबल्स, तुम बुलबुले कैसे बनाते हो। बच्चों अगर तुमने कभी बनाया होगा तो एक महीन प्लास्टिक की नली लें और साबुन को कटोरे में घोलें और फिर उसमें नली को डुबोकर फूंक लगाएं तो तुम बबल्स को बना सकते हो। देखें आंसर नंबर फोर, आई मेक बबल्स, मैं बुलबुले बनाता हूं विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर, पानी और साबुन, सोप एंड वाटर, साबुन और पानी की मदद से, हेल्प से। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, क्या पहनते हो तुम अपने पैरों पर, व्हाट डू यू वियर, क्या पहनते हो तुम ऑन योर फीट, अपने पैरों पर। आंसर फाइव, आई वियर, मैं पहनता हूं सॉक्स एंड शूज, मोजे और जूते। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर, तुम कैसे नदी को पार करते ए रिवर, एक नदी को। आंसर इज आई वुड क्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार करता सिटिंग इन ए बोट, एक नाव में बैठकर। लेट अस शेयर, आओ साझा करें। पुट दीज डूइंग वर्ड्स इन टू द सेंटेंसेस, पुट रखें दीज डूइंग वर्ड्स इन क्रिया शब्दों में, इन टू द सेंटेंसेस वाक्यों में। जंप्ड, शुक, स्ट्रेस्ड एंड बस्ट, जंप्ड कूदा, शुक हिला, स्ट्रेस्ड फैलाया, बर्स्ट फूट पड़ा। दीज आर द वर्ड्स डूइंग वर्ड्स, ये डूइंग वर्ड्स हैं, इनको हमें इन द ब्लैंक स्पेसेस खाली जगहों में रखना है। द एक्स्ट्रा जंप्ड नॉट, एक्स्ट्रा शुड नॉट, स्ट्रेच्ड यस, द एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक्स्ट्रा ने अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला दिया। द शू ऑन द एक्स्ट्रा, द शू जंप्ड ऑन द एक्स्ट्रा, यस द शू जंप्ड ऑन द एक्स्ट्रा। एंड नाउ द बबल और अ बबल, शुक एंड शुक, शुक एंड शुक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट विद ए बिग बैंग, दस यू कैन फिल, इस तरह से भर सकते हैं।
सिंग विद मी, हॉप ए लिटिल जंप ए लिटिल, 1 2 3 रन ए लिटिल, स्किप ए लिटिल, टैप बन्नी टैप बन्नी, बेंड ए लिटिल स्ट्रेच ए लिटिल, नोड योर हेड, बेंड ए लिटिल स्ट्रेच ए लिटिल, नोड योर हेड, यान ए लिटिल स्लीप ए लिटिल इन योर बेड, यान ए लिटिल स्लीप ए लिटिल इन योर बेड. यू चिल्ड्रन यू शुड ऑल्सो लर्न दिस पोएम, तुम्हें भी ये कविता इसी तरीके से याद करनी चाहिए. सिंगिंग गाकर, मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स, नंबर्स को पहले ट्रेस करें अर्थात पूरा लिखें, एंड देन काउंट द बॉल्स और फिर गेंदों को गिने, एंड देन मैच विद देयर नंबर्स और तब नंबर्स के साथ मैच करें. सी 1 2 3 4 5 6 7 वेर इज 7 हियर इज 7 सो मैच इट लाइक दिस एंड दिस इज डन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेर इज 9 हियर इज 9 एंड रिमेंड 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 And now do like this. Look at these objects. इन चीजों को देखें. Put them into a tub of water. पानी के एक टब में उनको रखें. Say which one will float. और ये बताएं कौन सा तैरेगा. And which one will sink. और कौन सा एक डूब जाएगा. Ribbon, feather, marble, leaf, stone, stick, paper. स्ट्रा शूज एंड स्पून. चिल्ड्रन डू इट योरसेल्फ, बच्चों इसको अपने आप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.